आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इसको समय में बोल रहा है कि सोनोमीटर वायर इज सेट ऑन द फ्लोर ऑफ अ लिफ्ट। व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट, द सोनोमीटर वायर वाइब्रेट्स विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्ज। देखिए, सोनोमीटर वायर का सेटअप मैं बता देता हूँ। सोनोमीटर वायर का सेटअप कुछ ऐसा होता है, ये यहाँ से एक स्ट्रिंग गई होती है, ये एक पुली पे लगी होती है यहाँ पे, और यहाँ से नीचे की तरफ यहाँ पे मास को हम लोग लटकाए होते हैं, और इस रस्सी में जो टेंशन होता है वो इसके मास mg की वजह से होता है। ठीक है, रस्सी में टेंशन क्या होता है, इसके मास की वजह से होता है। और यहाँ पे दो ब्रिजेज होते हैं और इनके बीच की लेंथ को हम लोग ब्रिजेज को आगे पीछे खिसका कर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोगों को क्या मिल रहा है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी क्या होती है, फंडामेंटल एफ इज इक्वल टू होता है 1/2L रूट ओवर टी बाई म्यू, क्योंकि एल और म्यू कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर टी, ये लिख सकता हूँ मैं, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ एफ बाई रूट टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, एफ बाई रूट टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ओके, ये हुआ फर्स्ट कंडीशन, जब टेंशन की वैल्यू कितनी है, टेंशन की वैल्यू फर्स्ट कंडीशन में टेंशन इज इक्वल टू है एम जी। ठीक है, और F इज इक्वल टू है T1 लिख देता हूँ, और F1 फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 250 हर्ट्ज। ओके, सेकंड केस में क्या हो रहा है, इसको हम लोग एक लिफ्ट में रखे हुए हैं, और लिफ्ट क्या हो रहा है कि 9g/16 इतने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। ठीक है, 9g/16 इतने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, ये ऊपर जा रहा है ऐसे 9g/16 एक्सेलरेशन से गाइज। तो मैं T-mg इज इक्वल टू एम ए लिख सकता हूँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो T-mg इज इक्वल टू एम इंटू जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू 9g/16 दिया हुआ है, तो 9g/16 यानी यहाँ से टी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 16, और ये 25g/16। ठीक है, टेंशन की वैल्यू हमें कितनी मिल गई फाइनली, 25g/16। तो सेकेंड केस में जो टेंशन है T2 वो कितना है, 25g/16। ओके, और फ्रीक्वेंसी F2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, F1/√T1 इज इक्वल टू F2/√T2, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इस रिलेशन से। ठीक है, तो F1 की वैल्यू मैं क्या लिखा, F1 की वैल्यू मैंने लिखा F1 इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई √T1 की वैल्यू, √T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इस mg इज इक्वल टू फाइनल फ्रीक्वेंसी F2 हमें फाइंड करना है, और √T2 की वैल्यू कितनी है, √T2 यहाँ पे लिख सकते हैं 25g/16, ये रूट जी, सॉरी गाइज यहाँ पे एम भी है, एम छूट गया है, एम से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यहाँ पे एम भी है। ठीक है, एम, ओके, तो ये एम जी ने एम जी को मार दिया और यहाँ रूट वन बच गया, और ये वैल्यू हमें मिल जाएगी F2 की वैल्यू, यहाँ से हमें F2 की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू 25/16 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, 5/4 जो हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 25 250 × 25 × 16 की वैल्यू 5/4। F2 की वैल्यू हमें इतनी मिल जाएगी, यानी ये वैल्यू हो जाएगी हमें यहाँ से मिल जाएगी 320 हर्ट्ज। ओके, यानी फाइनल फ्रीक्वेंसी जो होगी 320 हर्ट्ज, मतलब अगर हम लोगों ने इसको एस्केलेटर में रख दिया, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है एस्केलेटर नहीं गाइस, एलिवेटर में हमने रख दिया जिसकी जिसका एक्सेलेशन 9g/16 है, तो फिर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 320 हर्ट्ज, यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। होप आपको समझ में आया होगा, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।